हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं लैंडर। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने शॉर्टकट एप्लीकेशन में स्टेबलाइज कैसे करते हैं किसी भी शेकी फुटेज को। जैसे हम कहीं भी शूट करने जाते हैं, हमारे हाथ में कैमरा रहता है, हिलता रहता है, उस फुटेज को स्टेबलाइज कैसे कहते हैं। चलिए, हमने ओपन कर लिया है, इसके लेआउट को डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, जाके व्यू में जाके लेआउट को डिफ़ॉल्ट कर लीजिए। ओके, देन आप अपने फुटेज को इंपोर्ट कर लीजिए, जो भी फुटेज रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये फुटेज है, ये पूरा शेक हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, चलिए इसको हम ले लेते हैं अपने, इसमें मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए कैसे है। उसके बाद आपको इसे टाइमलाइन में लेके आना है, टाइमलाइन में लेके आ जाइए। यहाँ से थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद आपको फिल्टर्स में जाना है और ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ डालना है, वीडियो फिल्टर में चल जाइए, यहाँ पे डाल दीजिए स्टेबलाइज कर दीजिए, ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, स्टेबलाइज जैसे ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ बटन मिलेगा एनालाइज का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ फाइल पूछेगा, तो सिंपली आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने एक ये दे रखा, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, मैं नॉर्मल दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे सेव में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, वेट कर लीजिए। चलिए हो गया है, फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखें कि ये फुटेज हमारी स्टेबलाइज हो गई है, पहले एकदम शेकी फुटेज थी, अभी स्टेबलाइज हो गई है। मैं एट द एंड आपको कंपेयर करके बता दूंगा। यहाँ पे आप चले जाइए, ओके, यहाँ पे आप थोड़ा इनको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपके फुटेज को जूम इन चाहिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस फुटेज को, सॉरी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, चलेगा, स्मूथिंग थोड़ी सी ऐड कर लेता हूँ। ओके, देन वापस मैं एनालाइज कर देता हूँ, सेम को मैं रिप्लेस कर दूँगा, ये रिप्लेस हो गई है। ओके, ये हो गया, वापस से प्ले करके देख लेंगे। चलिए, अभी हम इसका इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे जाना है, टाइमलाइन पे जाना है, MP4 में जाना है। ओके, यहाँ पे मैंने पहले से पूरी सेटिंग करके रखी है, देन क्लिक करिए एक्सपोर्ट फाइल। यहाँ पे आपको सिंपली इसका पाथ देना है, जो कि मैं दे देता हूँ अपने न्यू प्रोजेक्ट्स। देन यहाँ पे हमने इसके लिए कुछ बना के रखा है, यहाँ पे देते हैं स्टैब, सेव कर दीजिए। ये प्रोसेसिंग चालू हो गई है। ओके, मैं एक बार चला जाता हूँ। यहाँ पे दो फुटेज हैं, फर्स्ट फुटेज ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी हिल रही है। देन सेकंड फुटेज को दिखा देता हूँ मैं, चलिए ये देख लीजिए, ये सेकंड फुटेज है जो कि स्टिल है। तो ऐसे आप अपने किसी भी मूवमेंट वाली फुटेज को, जिसमें से की फुटेज को शॉर्टकट एप्लीकेशन में स्टेबलाइज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।